नमस्कार साथियों, दोस्तों आज हम आए हैं सरहिंद जो फतेहगढ़ साहिब पंजाब में पड़ता है, और यहाँ पे रविंदर सिंह जी हैं जो कई वर्षों से काम कर रहे हैं सर्वाइकल और स्लिप डिस्क के इलाज पे। इनके पास बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आए हैं और एक तरह से मानव सेवा का कार्य कर रहे हैं। जो मरीज परेशान हो जाते हैं सर्वाइकल का, डॉक्टर एलोपैथी में सिर्फ इसका एक इलाज है, जो सर्जरी करवाने के बाद भी उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट होता नहीं है, पहले से ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो जाती है। लेकिन इनके पास आने के बाद में बहुत, मैं खुद इनका पेशेंट रहा हूँ। पीछे मेरी जब मैं यहाँ पे आया था बहुत ही बुरी तरह से हालत थी, चल नहीं पाता था, और अभी कुछ जो मरीज़ यहाँ पे आए हुए हैं उनसे हम आपको मिलवाएंगे। ये फ़ोन नंबर है, आप इनसे जिस दिन आपको आना है उसे पहले दिन शाम को सात से आठ के बीच में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और अपॉइंटमेंट के बगैर ये देखते नहीं हैं। चलिए अब कुछ अंदर जो मरीज़ हैं उनसे मिल लेते हैं, आइए। तो यहाँ पे इन्होंने रहने की भी व्यवस्था की हुई है, ये पूरा हॉल है। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो वो यहाँ पे कुछ नॉमिनल से चार्ज देंगे, उसमें चारपाई और बिछाने का रहने का बंदोबस्त है। अभी आपको इन मरीज से मिलवाते हैं जो इलाज करवा रहे हैं। नमस्कार जी। आप कहाँ से आए हो जी? मैं यूपी बागपत। यूपी बागपत से आप फर्स्ट टाइम आए हो? कौन से टाइम? फर्स्ट टाइम। एक हफ्ता हो गया। एक यहाँ पे ही हो आप? अच्छा, कितना आराम है? आराम कुछ सुधार है बजा। अच्छा, हाँ जी ठीक है। इससे पहले आपने डॉक्टरी इलाज करवा लिया? करा डॉक्टरी इलाज, उससे कोई सुधार नहीं लगा। आप जी भाई साहब आप भी यूपी से ही हो, आपकी तबीयत में कुछ सुधार होया? मुझे 60% आराम आया जी। 60%? और आप फर्स्ट टाइम आया? नहीं, मैं काफी बार आ चुका यहाँ पे। अच्छा, और मैंने सारे को इलाज करा लिया था, एम्स वगैरह सब फेल हो गए। अच्छा जी। एम्स में भी मैंने 3 साल इलाज कराया, वहाँ से मुझे कोई लाभ नहीं मिला। जो लाभ मिला मुझे यहाँ से मिला, बिल्कुल ये राइट पैर जो है मेरा ये बिल्कुल खत्म हो गया था, ये बिल्कुल लटक गया था, इसमें कोई जान नहीं रही थी। अब मैं चलने लगा। अब आप अपने आप चलने फिरने लग गए? तो आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? मुझे 1 साल हो गया। 1 साल से तो आपको काफी आराम हुआ है? बीच में लॉकडाउन 5 महीने आया नहीं मैं यहाँ पे, लॉकडाउन लग गया था, नहीं तो मैं अब तक ठीक हो जाता। अच्छा। चलो देखिए, यहाँ पे काफी आराम मिल रहा है। एक दो मरीज से और बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी, आप कहाँ से आए अंकल जी? हम यूपी गोरखपुर से। अच्छा, गोरखपुर से। क्या आप कौन सी टाइम आए हो, फर्स्ट टाइम या कई बार आ गए? हम 10 साल पहले आए थे, हमारी पत्नी आई थी। अच्छा जी। वो 2 बार आई, कमर का तकलीफ था। अच्छा। ठीक हो गई। वो ठीक हो गई। हाँ, अभी हमको डॉक्टर बोला था नसें सूख रहा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। न्यूरो का डॉक्टर 2 से जो सर्वाइकल का वो सर्जरी न्यूरो वाला ही करता है, तो बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हमको याद आया कि नहीं, हम पत्नी को ले आए थे तो 10 साल पहले, तो वही आए हैं हम गुरुवार को। आप अभी फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पे? हाँ हाँ। तो गुरुवार के बाद में अब तक कितना आराम हो गया? कम से कम 20% हुआ है। 20%? हाँ, थोड़ा आराम। चलो, मतलब पहले से आराम है? हाँ, थोड़ा आराम। चलो धीरे धीरे हो जाएगा भाई साहब। आप भाई साहब, कमर में दिक्कत है, कहाँ से हो? रोहतक से। रोहतक से ही? हाँ। और फर्स्ट टाइम हो या कई बार आ ली? नहीं, पिछले सोमवार मंगल बुध 3 पट्टी कराई थी। 3 पट्टी कराई, उसके बाद घर चले गए थे, अब आज आए हैं। अच्छा, कितना का आराम मिला भाई साहब? अभी तो भैया ऐसे 10% आराम है। 10% हाँ बस। इससे पहले आपने डॉक्टर वगैरह सबको दिखा लिया? सबको दिखा लिया, कोई आराम नहीं वाला, कोई आराम नहीं। जब मान लो एलोपैथी ट्रीटमेंट में सब कुछ फेल हो गया, उसके बाद आप? उसके बाद यहाँ। इसका वैसे बताया किसने इस जगह का? जैसे कोई जानने वाला था अपना, वो यहाँ से ट्रीटमेंट करा के बिल्कुल ठीक हो गया है, उसने बताया हमारे को, उसने बताए जाने के बाद फिर इधर आए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे काफी आ रहे हैं। अच्छा, ये अंकल जी आप यहाँ पे दिखाने हैं अंकल जी? कोई ले, ले के आया। अच्छा, आप लेके आए हो, चलो ठीक। आप जी? मैं सर हिमाचल से आया हूँ। हिमाचल से? हाँ जी, बताइए। मैं 11 जनवरी को चेक हुआ था। 11 जनवरी? हाँ जी।
और 5 बार चेक करके मैं 13 फरवरी को घर चला गया। हाँ जी। और मेरे को घर में जाके फिर 10-12 दिन ठीक रहा और मेरे को दोबारा फिर तकलीफ हो गई टांग में। अच्छा। और मैं तुरंत फिर यहाँ आ गया। अच्छा। एक बार पिछले शनिवार को चेक हुआ हूँ, आज फिर चेक होना है, फायदा है, पहले भी ठीक हुआ है, क्योंकि ये बस बुस के झटकों में या कहीं दोबारा फिर ये प्रॉब्लम आई मेरे को। हाँ। पहाड़ी इलाका आगे बस में जाना, गाड़ी हमारे पास है नहीं। हाँ। बाकी यहाँ का ट्रीटमेंट ठीक है वैसे। यहाँ पे ट्रीटमेंट वैसे काफ़ी सस्ता है और इफेक्टिव है ना। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन के लिए बोला था, बोलता ऑपरेशन के दो हफ्ते तो मेरे को कम से कम 50 आदमी बोला ऑपरेशन ही कराना चाहिए। हाँ। डिस्कस करना है तो आप बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए मैं दोबारा यहीं आया हूँ। अच्छा, और जो ये चारपाई की और बिस्तरों की व्यवस्था है उसका क्या कुछ? 100 रुपये चार्ज है, चाहे आप एक दिन काटो चाहे 5 दिन काटो। अच्छा, एक बार ही? एक बार 100 रुपये देना है। इनकी तरफ से ही है? इनकी तरफ से ही सब कुछ है जी। तो देखिए दोस्तों, कितने नाम मात्र के चार्ज में इन्होंने व्यवस्था की हुई है यहाँ पे। 100 रुपये मात्र आज के समय में क्या है, और बहुत ही एक मानवता का भलाई वाला कार्य ये कर रहे हैं। अब देखते हैं अगर डॉक्टर साहब से कुछ 2 मिनट बात हो पाई तो। नमस्कार दोस्तों, ये डॉक्टर साहब मिले हैं, इनसे हम कुछ जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप कब से कर रहे हो ये काम? 1990 से। तो लगभग कितने एक पेशेंट आपके पास आ चुके हैं? हो गए होंगे लाखों की तादाद में। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब आपने एक सीखा कहाँ से? संतों से सीखा, उसके बाद पढ़ाई की। अच्छा, संतों से सीखा आपको? हाँ, आपने उसके बाद पढ़ाई भी की इसकी। अच्छा जी। और उसके बाद में आप स्टार्टिंग में आपके पास वैसे कितने स्टेट से मरीज आते हैं? 18-20 स्टेट से। हाँ। और जो VIP वैसे तो पूरे देश वर्ल्ड से आते हैं। अच्छा जी। और VIP का नाम ले तो कौन कौन आ चुके हैं आपके पास? हरियाणा से बोलूँ तो अनिल विज, संदीप, हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज, हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली का रविंदर। हाँ जी। संदीप, खेड़ मंत्री हरियाणा। हाँ जी। सुरजेवाल, प्रधानमंत्री के भाई, जो अपने राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनके OSD की बेटियां। हाँ जी। तो काफ़ी लोग आ चुके हैं। और इस चिकित्सा के क्षेत्र में आपको कहीं बाहर से भी बुलाया गया? आप बाहर भी आप गए हो इस पेशे पे? बुलाया था, मैं गया नहीं। अच्छा। USA ने बुलाया था मुझे, मैं गया नहीं। मैं संतों को जिनको मानता हूँ उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जाना, तो मैं नहीं गया। अच्छा जी। और आप जैसे जो डॉक्टर्स कहते हैं जो सर्जरी होगी, नसें दबगी है या कोई छल्ला स्लिप डिस्क होगी है, उसका बिना ओपन के, बिना ऑपरेट किए ही आप कर देते, और वही कला वो सीखना चाहते थे शायद विदेश वाले, है ना? बिल्कुल सीखना चाहते थे। USA की गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया था, मैं गया नहीं हूँ, तो वो सीखना ही चाहते थे एक्चुअली तो मेरे से। अब वो मतलब बुला के, और डॉक्टर्स भी बहुत आते हैं मेरे पास तो सर्जन खुद आते हैं। अच्छा जी। भेजते भी हैं लोगों को कि फलाने डॉक्टर भेजा मेरे को, फलाने डॉक्टर आपको, मैं फलाने सीखने के लिए। नहीं। अच्छा, इलाज करवाने, इलाज करवाने वो तो आने हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर भी आने ही हैं। हाँ, वो इंसान ही तो है। हाँ, बिल्कुल बॉडी तो है, बस स्टडी है उनकी बस ज्यादा। इस विषय पे डॉक्टर साहब अगर बात करें तो शायद एलोपैथी इस पे 0 है, क्योंकि आने वाला एलोपैथी का फ्यूचर नहीं है। आने वाले समय में नेचुरोपैथी की डिमांड आएगी और नेचुरोपैथी के ही बोलबाला होगा। एलोपैथी सिर्फ ऑपरेशन के लिए बचेगी, बाकी मेडिसिन में नहीं रहेगी। एंटीबायोटिक तो रेजिस्टेंस होते जा रहे हैं। हाँ, जब बॉडी में एंटीबायोटिक खाते जाओगे तो किसी दिन उसका असर खत्म हो जाएगा। जैसे एक शराब पीने वाले के लिए कभी कभी जब स्टार्टिंग करता है तो एक पैग ही काफ़ी होता है। हांजी, तो कभी पीता रहता है कंटिन्यू, तो एक बोतल भी असर नहीं करती उसको। ऐसे ही एंटीबॉडी खाते जाओगे तो एंटीबॉडी आपकी बॉडी का नुकसान तो करेगी, उसके असर भी नहीं होगा आपकी बॉडी पर। डॉक्टर साहब, आप किसी को सिखा भी रहे हो आगे ये कला बची रहे? किसी को नहीं सिखा रहा हूँ, किसी को ना सिखाऊंगा। यदि मेरे बेटे ने इस लाइन में आना होगा तो वो सिखेगा, अदरवाइज मैं किसी को नहीं सिखाऊंगा, ना सिखाता हूँ। और डॉक्टर साहब एक बात और देखिए, जैसे आजकल ना कोई ट्रीटमेंट देता है तो जैसे उसका मेन ट्रीटमेंट है उसके साथ में वो अदर मल्टीविटामिन या अदर गोलियां या कुछ भी दे देते हैं, लेकिन आपके ट्रीटमेंट में बिल्कुल स्टिक इलाज है जो आपने कर दिया, उसके बाद में आप ना कोई टैबलेट देते, ना, तो ना मैं तेल देता हूं कोई, ना मैं गोली देता हूं, ना मैं टीका, ना कोई मेडिसिन कहता हूं लगाने के लिए, ना मैं बेल्ट के लिए प्रेफरेंस करता हूं कि आप बेल्ट लगाइए। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है भाई वो बिजनेस कर रहे हैं, सब भला बुला करने का टाइम अब लोगों में नहीं है, वो बिजनेस का टाइम है, सब बिजनेस कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि यार मैं तो मैंने बिजनेस छोड़ के इस लाइन में आया हूँ।
आप पहले क्या करते थे डॉक्टर? मेरे फादर के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फैक्ट्री थी उनकी। अच्छा, तो मैंने उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, मैं इसी लाइन में इंटरेस्ट लिया, वो तो यही काम कर रहा हूँ। आपको कुल मिला के अगर देखा जाए, जो आपके चार्ज है और जो आपने रहने की व्यवस्था की है और एक नॉर्मल आज के दिन हॉस्पिटल का खर्चा देखे, तो कुल मिला के ये मानव सेवा ही है एक तरह से, बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही है। वो आपकी सोच है कि मैं फीस बढ़ा सकता हूँ, बढ़ाता नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इतना इफेक्टिव है जो एक बंदा आपकी सारी मार्केटिंग, तो जो मैं MRI लिखूँ तो एक MRI में 25-26 रुपये कमीशन आती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप दिन में भी नहीं मांगता। हाँ बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब ऐसे है जी, एक बार कमर की हड्डी रीढ़ पे ऐसे हाथ लगाएंगे और आपका MRI कर देते हैं। मेरे को जब मैं फर्स्ट टाइम आया तो मैं MRI करा के आया था और डॉक्टर साहब ने उंगली ऐसे अंगूठा लगा के बता दिया L3-L4 में प्रॉब्लम, और वही MRI में लिखा था। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू।